गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी के लिए KVSPRT इंटरव्यू के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए आज फिर से एक और बहुत ही प्यारी सी कविता मैं लेकर के आई हूँ, जो क्लास सेकेंड की न्यू NCERT जिसका नाम है सारंगी, उसी से इस पोयम को लिया गया है। और इससे पहले भी मैं काफी सारी चीजें आपको करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की इस पोयम को, और इसका यूज कई जगह हो सकता है। आप इसको यहाँ हिंदी में तो एज ए डेमो इसको कविता के रूप में प्रस्तुत कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ EVS में जब आप डायरेक्शंस वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, दिशाएं बताएंगे, वहां भी इसका यूज उतना ही होने वाला है। तो ये पोएम नहीं आई तो फिर तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये तो आपको जरूर सीखनी ही है। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। ओके, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बढ़िया है? बहुत अच्छा, चलिए बैठ जाइए। मैम भी बढ़िया है। अच्छा, आप सभी मुझे एक बात बताएंगे, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको दिशा का अनुमान लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे? क्या आपने घर में बड़ों से बात करते हुए ये चीजें सुनी है कि ये दिशा उत्तर है, ये दिशा पश्चिम है, और जिधर सूरज निकलता है उधर पूरब होता है ना? सुना है तो बताओ। अच्छा, जिधर सूरज निकलता है उधर पूरब दिशा होती है, और जिधर सूरज छिप जाता है वो दिशा क्या कहलाती है? पश्चिम कहलाती है। बहुत बढ़िया। और ठीक आपके बाएं कौन सी दिशा है? उत्तर, और दाएं दक्षिण। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जिधर सूरज निकल रहा है उधर पूरब दिशा है, और उसके ठीक पीछे पश्चिम है। बाएं उत्तर है और दाएं दक्षिण है। चलो तो फिर साथ में मिलकर के हम आज यही कविता गाने वाले हैं और बहुत ही आनंद के साथ इस कविता का वाचन करेंगे। आप सभी खड़े हो जाओ, और हमारी कविता का नाम है चार दिशाएं। क्या नाम है? चार दिशाएं। तो चलो बच्चों साथ में मिलकर के गाएंगे। आप भी मेरे जैसे मैं आपके सामने एक्शन करूंगी आपको वही करने हैं। ठीक है, चलो फिर मिलकर गाते हैं। उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और तुम्हारे दक्षिण। बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती है यो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अच्छा ये बताइए कि बाएं और आपका कौन सा दोस्त बैठा है? देखो तो सही, आपको बाएं और दाएं के बारे में पता है कि नहीं? बताओ जल्दी से, यहां थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। चलो मैं आपको बताती हूँ, आपको आगे से ध्यान रहेगा कि बाएं दिशा कौन सी है। अपना हाथ ऐसे करिए, सभी देखने में क्या लग रहा है जब आप अपने हाथ को ऐसे देखते हैं? क्या ये बी के जैसी आ करती है? बी फॉर बॉल, बी जैसी आ करती है, और बी से बनता है बाएं। और जब आप इस हाथ से ऐसे करोगे तो ये कैसी आकृति बनती है? ये डी की आकृति बनती है। तो बी से बाएं और डी से दाएं। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से गाते हैं। उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने उत्तर होता और पीठ पीछे है पश्चिम। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती है यो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बहुत अच्छे, आप सभी ने तो कमाल कर दिया है। चलिए बैठ जाइए। अब आप सभी पता है क्या करोगे अभी? आप सबके लिए एक एक्टिविटी है। आप सभी अपने बाएं और दाएं जो जो साथी बैठे हैं आपकी बेंच पर, उन सबके नाम लिखो और बताओ आपके बाईं ओर कौन से दोस्त बैठे हैं और दाईं ओर कौन से दोस्त बैठे हैं। और हाँ, आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी आपको दिशा का अनुमान लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे? सूरज की दिशा में
मुंह करके खड़े हो जाएंगे जिधर सूरज निकलता है, तो आप दिशा को आसानी से पता कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे ना? बिल्कुल। तो चलिए अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। सो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।